हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस आवर टॉपिक। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और नॉट नेचुरल नंबर, उनके बारे में बता देता है कि कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से नॉट नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर को देखना है कि कौन सा, मतलब जो ये सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। देखो, फर्स्ट है इसमें 12 इज़ द नेचुरल नंबर। इसमें ये पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर 12 इज़ द नेचुरल नंबर, 12 नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो मैंने बताया था कि ग्रेटर देन वन, वन से अधिक वाला नंबर्स कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। जैसे वन एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वन या ग्रेटर देन वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 12 क्या नेचुरल नंबर है या नहीं? यस, 12 क्या है, नेचुरल नंबर। तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 3.5 इज द नेचुरल नंबर, मतलब 3.5 क्या नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, 3.5। स्टूडेंट, हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें देखा था कि नॉट नेचुरल नंबर होते हैं, नॉट नेचुरल नंबर, उसमें क्या बताया था, बिटवीन 1 और 2, मतलब 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स कौन से होते हैं, नॉट नेचुरल नंबर। तो 1 और 2 के बीच वाले नंबर कौन से हुए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ओके, तो ये कौन से नंबर हुए, नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा पूछ रहा है अपन को, 3.5। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3, इसका मतलब ये किस किस के बीच का नंबर है, 3 और 4 के, तो बिटवीन 3 और 4। जैसे बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच के डिजिट कौन कौन से होते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। मतलब 3 और 4 के बीच वाले डिजिट कौन से हैं, 3.1 से लेके 3.9। तो 3.5 है या नहीं है, यस है। तो ये कौन सा हुआ, नॉट नेचुरल नंबर, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, समझ में आ गया। इसमें सी क्वेश्चन पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 या ग्रेटर देन 1, 1 या उससे ज़्यादा वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 ही हुआ ना, इससे छोटा वाला डिजिट कौन सा होता है, 0, जो नेचुरल नंबर नहीं होता। वो कौन सा नंबर होता है, वो नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ इसका, 1। तो ट्रू या फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। इसके बाद देखो डी, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 या ग्रेटर देन 1, तो इसमें नेचुरल नंबर 0 होता है क्या, 0 तो क्या होता है, वो नंबर। तो ये सेंटेंस सही बोल रहा है क्या कि द नेचुरल नंबर इज 0, नो, तो फॉल्स। क्या होगा ये, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद ये देखो 6 1 by 3 इज द नॉट ए नेचुरल नंबर।
आपको नोट इन नेचुरल नंबर, तो नोट इन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 4 एंड 5। एक कंडीशन ये थी, और सेकंड कंडीशन क्या थी, जैसे हमने बताया था कि 1 1 बाई 2, मतलब ये 1 और 1 बाई 2 क्या है, 1 और 2 के बीच वाला डिजिट। कंडीशन क्या होती है नोट नेचुरल नंबर में, कि बिटवीन वाला आता है इसमें, मतलब दो, जो दो नंबर्स होते हैं उनके जो बीच वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोट नेचुरल नंबर। इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि 6 1 बाई 3 इज नोट ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगा कि ये नोट नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो ये नहीं है, ये नोट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स, सॉरी ट्रू, ठीक है। इसके बाद एफ देखो क्या पूछ रहे हैं, 0 इज द नेचुरल नंबर, शून्य क्या नेचुरल नंबर होता है क्या, नो, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 या ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा, फॉल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर ने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, देखो रिपीट करती हूँ, 12 इज द नेचुरल नंबर, यस, जो डिजिट होते हैं 1 और ग्रेटर देन 1 वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, तो ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है 3.5 इज द नेचुरल नंबर, 3.5 नेचुरल नंबर होते हैं क्या, नो, क्योंकि हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने कंडीशन देखी थी कि बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 4 एंड 5, जो बीच वाले जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, नोट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉल्स। सी वाला है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यस, 1 और ग्रेटर देन 1, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, तो क्या होगा, ट्रू। इसके बाद डी देखो, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद ई वाले देखो, 6 1 बाई 3 नोट ए नेचुरल नंबर, तो 6 से 6 1 बाई 3 6 से ज़्यादा है, और 6 और 7 के बीच वाला डिजिट हुआ ना 6 1 बाई 3, तो ये क्या होता है, नोट नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो, शून्य इज द नेचुरल नंबर, नो, 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, राइट ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 20 एंड 30, मतलब क्या पूछ रहे हैं, 20 और 30 के बीच वाले। इसमें आपको बस ध्यान रखना चाहिए बिटवीन और फॉर्म का, बिटवीन का मतलब बीच वाले, और फॉर्म मतलब जो डिजिट नंबर्स दे रखे हैं उनको भी लिखना है, ठीक है। बिटवीन मतलब 20 और 30 के बीच वाले, और नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, बिटवीन, तो 20 एंड 30 के बीच वाले नेचुरल नंबर कौन से हुए, 20 को लिखे या नहीं, नो, क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन, तो 20 से आगे वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। स्टूडेंट 30 लिखूँ या नहीं, नो, क्यों, क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन, तो 20 और 30 के बीच वाला नंबर कौन सा हुआ, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, ओके। स्टूडेंट हमने सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ए है वो सॉल्व कर लिया, उसमें हमको पूछ रहा था कि ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, उसमें बिटवीन पूछ रहा था कि 20 और 30 के बीच वाले, तो उसमें हमने सॉल्व किया था कि 20 और 30 के बीच वाले होते हैं 21 22 23 24 25 26 27 और 28 29, लेकिन राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 20 एंड 30, इसमें क्या पूछ रहे हैं, 20 और 30 से मतलब में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो बिटवीन तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, नेचुरल नंबर फॉर्म 20 एंड 30, फॉर्म 20 एंड 30, ठीक है, तो हमें नेचुरल नंबर पता है 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो इसमें कौन सा होगा, 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29। इसमें 30 ऐड करूँ या नहीं? अपन को 30 इसमें ऐड करना है, क्योंकि क्या पूछा है, फॉर्म 20 एंड 30, तो 30। ओके, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। बिटवीन और फॉर्म के मतलब कि बिटवीन में क्या पूछता है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच वाले, जैसे 1 और 5 के बीच का बिटवीन पूछे तो आपको 2 से 4 तक लिखना है, ठीक है। और फॉर्म पूछे तो जो नंबर्स दे रखे हैं उनको भी ऐड करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन है, राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 42। मतलब इसमें पूछ रहे हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर पूछ रहे हैं, लेकिन लेस देन 50 से कम वाले एंड ग्रेटर देन 42। 42 से अधिक वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो देखो, ग्रेटर देन 42। 42 से नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 43, 44, 45, 46, 47, 48। 49 लिखे नहीं, लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमें तो 50 से लेस देन पूछ रहा है, तो लेस देन 50, 49 ऐड होता है नहीं होता? ऐड होता है, तो लेस देन 50, तो कौन सा हुआ, ग्रेटर देन 42 एंड लेस देन 50। तो 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। समझ में आ गया आपको ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब भी समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 40 विच हैज एट द यूनिट 1 पैलेस। मतलब हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन किस में, 1 यूनिट पैलेस के रूप में, तो ये किस फॉर्म में है, 40। तो इसमें 40 मतलब इसके एक यूनिट के 4 डिजिट लिखने हमें, तो 40 वाले 4, 14, 24 और 34। समझ में आ गया, 4, 14, ठीक है, 24 और 34, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमें, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 35 विच हैव टू ऐड द देयर 10 पैलेस। मतलब ये पूछ रहा है 15 और 35 के बीच के नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन 15 और 35 के बीच के नेचुरल नंबर तो हम बहुत सारे हो गए, जैसे 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि 15 और 35 के बीच वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो 50 के अबव कौन से हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कहाँ तक पूछ रहा है, 35 तक, 31, 32, 33, तो 34, ठीक है। 15 और 35 के बीच के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 16 से लेके 34 तक। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ो, विच हैव टू एड दे 10 पैलेस। ओनली हमें 10 डिजिट देखने हैं इनमें से। 10 डिजिट कौन कौन से होंगे, देखो अपन कहाँ से लेंगे, इधर से 3 डिजिट छोड़ो, एक बार छोड़ दिए, इसके बाद इधर के 3 डिजिट छोड़ो। अब काउंट करो, हमें 10 डिजिट काउंट करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कितने हुए, कितने हुए इसमें, कहाँ तक हुए 10, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमें 20 एड तक डिजिट लिखने हैं। तो इसका जो 10 डिजिट हुआ वो कहाँ से लिखेंगे हम,
90 से लेके 20 एड तक। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट।